अच्छा जी, तो इस वक्त जो है शाम के 6:15 हो रहे हैं और मैं और वो दोनों निकले हुए हैं। है जाने का प्रोग्राम बहरिया टाउन इस वक्त शाम का मंजर देखने के लिए कि कैसा होता है शाम का मंजर। बादल भी हैं आसमान के ऊपर, अभी तो फिलहाल ट्रैफिक से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और चले हैं उस तरफ। तो कहते हैं शार्प लेफ्ट चाहिए जनाब पे, तो देखते हैं कि कहाँ पे शार्प लेफ्ट है। एनीवे तो मैं आपको पीछे आप जो है वो पीछे का मंजर दिखाता हूँ कि वहाँ पे खूबसूरत लग रहा है। वैसे बादलों का समा जो है ना है खूबसूरत। ये जनाब ये शार्प लेफ्ट यही है। अच्छा जी, तो आपको बस ये बताना था कि हम मुसरफ जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है और उसके बाद जब करीब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा और आपको इतला देंगे। कराची का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, हवा भी चल रही है इस वक्त, जो कि मेरे इतनी ज़्यादा फेवर में नहीं है क्योंकि मुझे ड्रोन उड़ाने का थोड़ा सा ख्याल था अंदर बहरिया के अंदर। देखता हूँ कि उड़ा सकता हूँ नहीं उड़ा सकता क्योंकि हवा शाम को अच्छी खासी चलनी शुरू हो जाती है, तो वो अच्छी बात भी है। जो लोग रेगुलर रह रहे हैं कराची में उनके लिए यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जी कम से कम शाम में ठंडी थोड़ी सी होने लगी है हवा चलने की वजह से, और बादल जब हों और धूप ना हो तो थोड़ी सी और ही ठंडी हो जाती है। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा इनिशियल पोर्शन है बहरिया टाउन में दाखिल होने का। इस वक्त शाम के 6:45 हो रहे हैं तकरीबन, तो अभी सनसेट तो नहीं हुआ है लेकिन ये कि शाम का मंजर है और ये काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई। देखें आप सड़क पे दोनों तरफ कितनी अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हैं, अभी तो जली नहीं है वो, अभी जब वापस जाएंगे तो उस तरफ से तो जल चुकी हों। प्रोग्राम यही है कि आए थे थोड़ा लेट करके ताकि सनसेट वगैरह का और लाइटें जलने का मंजर यहाँ पे देख सकें, तो प्रोग्राम तो वही है। देखिए कितनी कामयाबी होती है और यहाँ से जनाब इसकी मेन एंट्रेंस है, बड़ी ही उन्होंने खूबसूरत बनाई है मेन एंट्रेंस। तो देखें जी यहाँ पे कोई तो मसला तो नहीं है, कोई रुक टोक में ख्याल में लास्ट टाइम तो नहीं थी, इस दफ़ा भी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर लेते हैं हर गाड़ी की गुजरते हुए, वो कैमरे लगे हुए हैं और हम दाखिल हो चुके बहरिया के अंदर। ये है भाई 14 अगस्त बहरिया टाउन की हंगामेबाजियाँ, किस कदर ट्रैफिक सामने से आ रही है। आप देखें अंदर लोग आ रहे हैं जो कि लोकल नहीं हैं, लेकिन बहरिया टाउन आने का दिन नहीं है आज का। और मैं आपको थोड़ा सा सामने से लेकर दिखाता हूँ कि आने का दिन भी नहीं है, लोग इतने आ रहे हैं मुसलसल गाड़ियों में, जाने का दिन भी नहीं है कि क्या करें कहाँ जाएँ। लेकिन देखिए मेन तो रहा है यहाँ का थोड़ा सा अंदर जाके मंजर, अपने लोग ग्रीन एंड वाइट में बेशुमार हाईवे हैं, बच्चे बड़े सब लोग। और ये है यहाँ पे भरा हुआ तो नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, लेकिन गाड़ियाँ बेशुमार आ रही हैं। यहाँ पे फायरवर्क वगैरह का सुना जाता है होगा, तो वो पता नहीं कब होगा लेकिन लोग उसके लिए आ रहे हैं। तस्वीरें झंडे बेशुमार और झंडे आपको नज़र आ रहे हैं जगह जगह लोगों के सरों पे हाथों पे फेस पे बने हुए, ग्रीन कलर की कुर्ते और सफ़ेद सलवारें सामने लोग जमा हैं अपने फेस पेंटिंग किए हुए, और बच्चे कहाँ के हैं पता नहीं, आसपास के इलाकों से काफ़ी पहुँचे हुए। चौराहा है ये सबसे मशहूर चौराहा है यहाँ का जिना रोड के ऊपर, और उसके ऊपर जो है ये कभी भी मैंने आज तक कई दफ़ा आ चुका हूँ कभी इतना रश नहीं देखा जितना कि मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पे। बस ये है मंजर यहाँ का। देखता हूँ कि अगर कुछ चांस बना थोड़ा सा ड्रोन उड़ा के एरियल फुटेज बनाने का तो बनाते हैं। ये है यहाँ का पार्क का मंजर बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा मैंने फिल्माना नहीं है, इतने लोग हैं अच्छी बात है, रौनक है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चे अपने घर की औरतें मर्द सब आए हुए हैं यहाँ पे, फुवारे चल रहे हैं और खूब ज़बरदस्त मंजर चल रहा है और बादल हैं तो इसलिए धूप भी नहीं है, गर्मी भी कम है। पीछे के वो ही बिल्डिंग जो कि यहाँ की बन रही हैं उधर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखें अगर ड्रोन उड़ाए